भगवद गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे ये देवी उपदेश। ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उद्देश्य है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, और वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है, सुमित जी के क्या करूंगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है, उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुखी खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उद्देश्य ही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उद्देश्य है कि अवश्य में भोक्तव्यम प्रथम परम सुबह शुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, वो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको, वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कदम पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं, पर्याप्त मात्रा में हमने धन कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया, और जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत बीमार रहता था।
उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और इसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तो इतना बीमार क्यों रहता है, तो ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल, उससे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज मैं जयो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है, उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज मैं और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उद्देश्य है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है, अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे हमें युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, मैं इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी है, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है तो पहुंचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमजोर समझने लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, अब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है, अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मुंह आपको दुख देता है। जिस दिन मुंह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश ये है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधन श्रेय भारत धर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना, सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी यही कर रहे हैं। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उद्देश्य है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं,
क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर के भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। हमसे घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उद्देश्य है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सवेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध आंचल की हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि ही ईश्वर मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ना कि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं। मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे तब वो ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा, भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दिए हैं। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का नवाब उद्देश्य है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का दसवां उद्देश्य है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, क्या क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए गर्व करना वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है ना, उससे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। वो जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, वो अपनी जिंदगी से जरूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है अब वो भी गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश है, ये जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है लेकिन समझकर भी चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आपको करते नहीं है। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो, जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उद्देश्य है,
कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा, ये हासिल नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उद्देश्य है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उद्देश्य है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो मन में भी कुरता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है, ज्यादा गुस्सा करके, ज्यादा क्रोध करके। जो भी आपके पास है देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बहुत बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगना क्या होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।